अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में डीडी फ्री डिश पर ऐड होने वाले नए चार चैनल कौन कौन से हैं उनके बारे में मुकम्मल डिटेल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस और एक नई अपडेट के हवाले से काफ़ी बहस मुबहसा यूट्यूब डीडी फ्री डिश पर चार इस वक्त नई जो है वो अपडेट्स आ चुके हैं कि चार नए चैनल जो है वो इस वक्त डीडी फ्री डिश पर ऐड होने जा रहे हैं। चैनल कौन कौन से हैं उसकी सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों, डीडी फ्री डिश पर चार नए टेस्ट चैनल का इस वक्त जिक्र हो रहा है इंटरनेट पर कि जी ये चैनल जो है वो इस वक्त ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डीडी फ्री डिश की मुकम्मल तौर पर जो चैनल लिस्ट है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से चैनल इस वक्त चल रहे हैं। बाकी आगे बात चार नए चैनल की जो एडिंग का सिलसिला है कि चार चैनल जो है वो इस वक्त ऐड हुए हैं या नहीं। दोस्तों, आपने डीडी फ्री डिश की सर्च की होगी, ब्लैंड स्कैन जब आप इसे करते हैं तो काफ़ी सारे जो है वो फजूल से चैनल्स आ जाते हैं जिनमें टेस्ट स्लॉट और खास डीडी स्पोर्ट के नीचे भी एक टेस्ट स्लॉट चल रही होती है। टेस्ट के नाम से चैनल चल रहा होता है लेकिन उस पर कलर बार आ रहा होता और कुछ नहीं होता। ये जो चार चैनल्स ऐड हुए हैं टेस्ट के नाम से, ये भी उसी तरह की एक बात है कि ये एक नॉर्मल सी बात है और इस पर कोई ऐसे चैनल जो हैं वो ऐड नहीं हो रहे फिलहाल। तो कुछ दोस्तों ने वीडियोस में बताया कि ये स्टार उस्ताफ जी अनमोल और सोनी पाल वगैरह के आसार हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं, तो इसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय नहीं है क्योंकि ये मामला इंडिया का है और इंडिया से ये चैनल जो है वह नशर होते हैं, तो अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब ऑक्शन होती है जो सालाना उनकी ऑक्शन के दौरान अगर ये चैनल जो है वो स्लॉट जीत लेते हैं तो फिर ये चैनल जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एनुअल ऑक्शन होती है उसका अभी तक काफ़ी टाइम पड़ा है और वो गालबन जो है वो फरवरी के एंड में होगी। तो अभी तक के इनके चैनल्स की जो है वो एडिंग का जो है कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश से जो है वो लेफ्ट करना चाह रहा हो तो उसकी जगह पर ये चैनल कोई नया आ सकता है। लेकिन टेस्ट वगैरह के जो चार टेस्ट के चैनल जो इस वक्त मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दिए, जो ये चैनल दिखाने की कोशिश की जा रही है वो अभी तक डीडी फ्री डिश पर ऐड नहीं होने जा रहे। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।